धीरू भाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे ये मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे जिन्होंने दोस्तों काफी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे है। जी हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी यह मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60 सेवन परसेंट लोगों ने लाइक्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों ये मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वॉरियर राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका शेरावत असोई सचिन खेड़ेकर, मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोटेन, पडा रानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्द किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 77 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को सिक्सटी परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फ़ैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा टीव के टीवी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60 परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वॉरियर आई बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवनटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टोमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका शेरावत असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टीवी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वरियराय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी है जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है 1951 से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्तर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्त्र किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 77 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरणी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्द किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकाफ्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फ़ैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा टीव के टीवी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकाफ्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोटेन, पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फ़ैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवनटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वरियराय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी, प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60 परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टीवी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वरियराय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है 1951 से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्तर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइया का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60 सेवन परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टी वी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वॉरियर आई बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरणी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्तर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्द किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 77 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80 परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60 सेवन परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फ़ैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्द किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक बास्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकाफ्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी यह मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वरियराय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरणी प्रताप प्रोटेन, पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्तर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टी पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टोमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वरियराय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है 1951 से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइया का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को सिक्सटी सेवन लोगों ने क्स किया था गूगल की तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टी वी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वॉरियर आई बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलोरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोन्तर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टीवी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोठेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू भाई अम्बानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएंगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 77 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमेटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को सिक्सटी परसेंट लोगों ने लक्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत, असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकाठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फ़ैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था वो विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में एक गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा धीरू भाई अम्बानी को आज कौन नहीं जानता है और वैसे में ही उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक मूवी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है गुरु अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी के अंदर देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा इस मूवी के अंदर आपको इनकी जो कहानी है वो देखने को मिलेंगी साथ में किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है स्टार्टअप किया है वो सब कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर दोस्तों म्यूजिक भी काफ़ी कमाल का है तो चलिए हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं और मूवी कहाँ पर जो है वो अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे यह मूवी कब टीए पर आती है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं पहले हम बात करते हैं कि यह मूवी क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही थी या फ्लॉप रही थी तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी साबित हुई थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो अठारह करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अस्सी करोड़ का हुआ था वैसे में इस मूवी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था अगर हम बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था मणि रत्नम ने जो को जो कि आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे जिन्होंने दोस्तों काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है और हाल ही में इनकी एक और मूवी आई थी जिसके बाद जो लोग हैं वो उनको जानने लगे हैं जी हाँ दोस्तों इनकी एक मूवी आई थी पी एस वन जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और अभी इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यह मूवी जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर देखना चाहते हो तो मूवी आपको एक नहीं बल्कि चार चार जगह पर मिल जाएंगी जिनमें से पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे इसके अलावा मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उपलब्ध है एप्पल टी के ऊपर भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये मूवी उपलब्ध है तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं वरना ये जो मूवी है वो आप सभी को बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी भाषा के अंदर मिल जाएगी तो आप चाहे तो इस मूवी को वहाँ से भी देख सकते हैं हम इस मूवी की जो आई रेटिंग है उनके बारे में बात करें तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग कहलाती है इसके अलावा जो रोटेन टमाटोज है वहाँ पर इस मूवी को 80% परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इस मूवी को 60% परसेंट लोगों ने क्स किया था गूगल के तरफ से मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक आप सभी को ए आर रहमान का देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको यह मूवी कहीं पर भी नहीं मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया जाने वाला है पाँच मार्च को जी हां दोस्तों यह मूवी पाँच मार्च को जो है वो शाम के साढ़े चार बजे रिलीज़ होगी जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर तो आप इस मूवी को टी पर देख सकते हैं यह मूवी अक्सर जो है वो जी के चैनल के ऊपर आती रहती है और जो नेक्स्ट प्रीमियर है इस मूवी का वो पाँच मार्च को शाम के साढ़े चार बजे होने वाला है चलिए हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में बात करते हैं इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर देखने को मिलेंगे अभिषेक बच्चन एस वर्या राय बच्चन मिथुन चक्रवर्ती आर मधुवन विद्या बालन मल्लिका सेरावत असोई सचिन खेड़कर मनोज जोशी सुधीर पांडे अर्जुन बाजवा इसके अलावा दर्शन झरीवाला नीना कोलरानी प्रताप प्रोटेन पडारानी संजय मिश्रा और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार काफ्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी तो दोस्तों मूवी जो है वो काफ़ी सही है अगर आप लोग भी हैं जो धीरू अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं इनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी हम इस मूवी की जो कहानी है उसके बारे में बात करें तो फिल्म की जो शुरुआत है वो होती है नाइनटीन से उत्तरी गुजरात से तो उत्तरी गुजरात के साबरकांठा ज़िले के एक छोटे से गांव इडर में होती है जहां गुरुकांत देसाई नाम का एक व्यक्ति किसी दिन इसे बड़ा बनने का सपना देखता है उसके पिता जो है वो गांव के स्कूल के जो है वो टीचर होते हैं उन्हें सपने नहीं देखने के लिए कहते हैं और सपने कभी सच नहीं होते हैं वो गुरु को बताते हैं गुरु ने तुर्की जाने और मसालों के व्यापार में प्रवेश करने का फैसला किया उसके बाद शर्मा सेल के साथ ब्लू कॉलर की नौकरी की बाद में उसे पर्दोंतर किया जाता है लेकिन नौकरी से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने लिए काम करना चाहता है गुरु अपने गांव लौटता है वहां सुजाता से शादी करता है मुख्यतः दहेज के कारण वह उसे लाता है सुजाता और उनके भाई जिग्नस के साथ गुरु बम्बई चले जाता है और वहां पर जाकर वह कपड़े का व्यापार शुरू कर देता है धीरे धीरे उन्होंने वह जो व्यवसाय था विस्तार किया और शक्ति निगम नाम की एक अपनी खुद की जो है वो निर्माण इकाइयाँ का स्थापना की थी फिर आगे जो इनका बिजनेस है बहुत तरीके से बढ़ता है वो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं जिनके बारे में गुजराती सोच सकता है जी हाँ दोस्तों तो इस मूवी को एक बार देखिए मूवी आपको अच्छी लगेंगी पाँच मार्च को मूवी वापस टी पर आने वाली है जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर तो इस मूवी को एक बार देखिएगा मूवी आपको अच्छी लगेगी साथ में इस मूवी से मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत जो है वो मोटिवेट करेगा